बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन का करियर विवादों से भरा रहा है। कानपुर टेस्ट उनके करियर का अंतिम टेस्ट हो सकता है। ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी नई किताब में वीरेंद्र सहवाग को तानाशाह और अपमानजनक व्यवहार करने वाला बताया है। सहवाग का जवाब अभी बाकी है। भारतीय क्रिकेट टीम 1 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलेगी। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी ने बांग्लादेश के खिलाफ 146 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। यह उनका दूसरा टेस्ट मैच था। दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई प्रमुख खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 1 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। पिच शुरुआती 2 दिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जा रही है। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन तीसरे टेस्ट से बाहर है। उनकी रिकवरी में प्रगति हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वापसी की उम्मीद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। जडेजा को बड़ा कीर्तिमान बनाने का मौका मिलेगा। सेनुरन मुथुसामी ने 2 अक्टूबर 2019 को भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने विराट कोहली को कैच और बोल्ड आउट किया। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने 36 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की। 2021 में टी20 विश्व कप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।